इस पाठ की लेखिका विनीता सिंघल हैं। इसमें इंटरनेट से संबंधित जानकारी दी गई है। इस पाठ के माध्यम से मनोरंजन के अतिरिक्त पढ़ाई लिखाई में इंटरनेट से सहायता लेने का संदेश विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। जी हाँ, आज का युग सूचना क्रांति का युग है और यह क्रांति लाने का श्रेय जिसे जाता है वह मैं हूँ, यानी इंटरनेट। मैं पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने से सूचना आप तक पहुँचा सकता हूँ। लोग मुझे सूचनाओं का सागर कहते हैं। छोटे छोटे नेटवर्कों के जरिए मैं पूरे संसार से जुड़ा हुआ हूँ। कोई नहीं जानता कि मेरे इस जाल से कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरी पहुँच ना हो। लोग मुझे प्यार से नेट या वेब भी कहते हैं। व्यापार हो या शिक्षा, विज्ञान हो या रोजगार, मनोरंजन हो या खेलकूद, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ मेरी घुसपैठ ना हो। यहाँ तक कि आप मेरे जरिए खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। मेरा जन्म सन 1966 में अमेरिकी प्रतिरक्षा मंत्रालय की एक अनुसंधान परियोजना के तहत हुआ था। अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग की एक एजेंसी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की देन आर्पानेट मेरे जीवन का आरंभिक काल था और देखते ही देखते 25 साल से भी कम समय में मैं आम आदमी तक पहुंच गया। शुरू शुरू में तो मेरे जरिए केवल साधारण संदेशों का ही आदान प्रदान होता था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे विकास हुए जिनके जरिए कोई भी सूचना ढूंढना सरल हो गया। आज ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे और मेरे जरिए सारी दुनिया से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता कैसे हूं? इसके लिए मेरे पास एक अलादीन के चिराग जैसी चीज है जिसे वेबसाइट कहते हैं। जिस तरह रिमोट के जरिए टीवी पर बदल बदल कर विभिन्न चैनलों का आनंद उठाया जा सकता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर पर विभिन्न वेबसाइटों का भी मजा लिया जा सकता है। इन वेबसाइटों को www.http द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। यह केंद्र मेरी अर्थात इंटरनेट की पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। हर वेबसाइट की एक कूट भाषा होती है। http वह कूट भाषा है जिसमें संदेशों को www के दफ्तर में भेजा जाता है। वैसे http का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको मेरी कौन सी वेबसाइट से कौन सी जानकारी मिलेगी यह बताने के लिए मेरे पास कुछ सर्च इंजन हैं। पिछले कुछ वर्षों में मेरा विकास बहुत तेजी से हुआ है और आज मैं इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर चुका हूँ कि मेरे बिना लोगों का काम ही नहीं चलता। अब ईमेल को ही लो। आज चिट्ठी भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह गई है। इधर चिट्ठी लिखी, उधर जवाब हाजिर। आजकल टेलीफोन के नंबरों की तरह ईमेल पते भी आम हो गए हैं। ईमेल पतों की पहचान होता है @ का निशान। आजकल yahoo.com, hotmail.com, rediff.com आदि कुछ मेरी अत्यंत लोकप्रिय ईमेल वेबसाइटें हैं। इनके जरिए आप अपने दोस्तों को बधाई संदेश भी भेज सकते हैं। वैसे अब ईमेल भेजना भी थोड़ी पुरानी बात हो गई है। आज के युग का लोकप्रिय संचार साधन है चैटिंग, और यह मेरी ही देन है। आप मेरे जरिए चैटिंग अर्थात दूर देश में बसे अपने किसी रिश्तेदार से बातचीत भी कर सकते हैं और मेरी दूसरी वेबसाइटों की सैर भी कर सकते हैं। आज कई वेबसाइटों पर ध्वनि संचार सेवाएं भी उपलब्ध हैं। मेरे जरिए बात करने की यह प्रक्रिया इंटरनेट टेलीफोनी कहलाती है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम होता है जिससे कंप्यूटर टेलीफोन की तरह काम करने लगता है। इसके लिए कंप्यूटर टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, अगर आप घर बैठे बोर हो रहे हैं तो आप मेरे जरिए मनोरंजन भी कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी ने मेरी बदौलत अपनी राहत के लिए एक नया रास्ता खोज निकाला है, ऑनलाइन वीडियो गेम। अमेरिका जैसे देशों में फिल्म की टिकटों से ज्यादा मारामारी ऑनलाइन वीडियो गेम के लिए रहती है। ऑनलाइन वीडियो गेम के जरिए दुनिया भर के अलग अलग कोनों में बैठे हुए लोग बिना एक दूसरे से मिले ही एक साथ कोई भी खेल खेल सकते हैं। ये गेम भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे एक्शन गेम्स,
रोल प्लेइंग गेम्स, सिमुलेशन गेम्स, स्पोर्ट गेम्स तथा और भी कई तरह के रोमांचक खेल। मैं केवल मौज मस्ती की ही चीज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अब लोगों की दैनिक जरूरतों के साथ शामिल हो गया हूँ। आदमी की सबसे बड़ी जरूरत होती है इलाज। कई बार सही समय पर सही इलाज न मिल पाने के कारण बीमार को जान से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन अब मेरे जरिए हजारों मील दूर बैठे डॉक्टर से भी संपर्क किया जा सकता है। लगभग 40 साल पहले यूरोप के लिए माइक्रोवेव लिंक का इस्तेमाल किया गया था। अब तो डॉक्टर मेरे जरिए बड़े बड़े ऑपरेशन भी कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में तो मैंने क्रांति ला दी है। मैं कंप्यूटरों की मदद से व्यापार संबंधी सूचनाओं और आंकड़ों को जल्दी जल्दी इधर से उधर पहुंचाता हूं। मैंने पूरी दुनिया को एक बाजार में बदल दिया है, जहां आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज खरीद सकते हैं। बस आपको करना यह है कि ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट खोलकर ऑर्डर देना है और वह चीज आपको मिल जाएगी। आप मेरे जरिए पैसों का लेन देन भी कर सकते हैं। इससे समय की तो बचत होती ही है, साथ ही बार बार बाजार जाने का भी झंझट नहीं। अब तो मैं सरकारी कामकाज में भी दखल देने लगा हूँ। मेरा काम सरकारी कामों में टांग अड़ाना नहीं, बल्कि स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देना और भ्रष्टाचार को रोकना है। परिवहन, विद्युत, स्वास्थ्य आदि सभी विभाग मेरी सेवाएं ले सकते हैं। आम जनता भी मेरा लाभ उठा सकती है। जैसे यदि राशन कार्ड बनवाना हो तो लाइन में खड़े होने का झंझट नहीं, बस ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दीजिए और राशन कार्ड का प्रिंट आउट लीजिए। इसी प्रकार पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पानी, बिजली, टेलीफोन आदि के बिलों के भुगतान की जानकारी भी मुझसे ली जा सकती है। मेरी ये सारी सेवाएं ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। मैं लोगों को इतनी सारी सुविधाएं देता हूं, लेकिन फिर भी मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है। हैकर नाम के ये दुश्मन कभी भी मेरा कोई भी पासवर्ड चुरा कर मेरी वेबसाइटों के अंदर घुसकर आतंक फैलाते हैं। कभी कभी तो ये मेरी वेबसाइटों में तरह तरह के वायरस फैला देते हैं, जिससे मेरी सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। आपने आई लव यू के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने मुझसे जुड़े हजारों कंप्यूटरों की जान आफत में डाल दी थी। लेकिन अब मैंने भी इनसे निपटना सीख लिया है। अब मैं इनसे बिल्कुल नहीं डरता। ये मेरे सुरक्षा कवच फायरवॉल से टक्कर नहीं ले सकते और उसे देखते ही दूर से ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन कोई एक मुसीबत हो तो बताऊं, मेरे लिए सिर्फ हैकिंग ही एक समस्या नहीं है। आजकल सड़कों पर बढ़ता हुआ ट्रैफिक जैसे आप लोगों के लिए सिरदर्द है, उसी तरह मुझे भी बढ़ते हुए ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। संकरी सड़कों पर तो यह और भी कठिन हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो संकरी लाइनों पर ही सफर करना पड़ रहा है, जिससे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कई बार बहुत देर लग जाती है। दूसरी कठिनाई यह है कि मेरे द्वारा भेजे संदेशों को तांबे के तारों के जरिए सफर करना पड़ता है, जो बहुत सुस्ती से धीरे धीरे काम करते हैं। उनकी गति मेरी गति से मेल नहीं खाती। अगर तांबे के तारों की जगह ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किया जाए तो यह सफर आसान भी हो सकता है। लेकिन मैं आशावादी हूँ, मुझे अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। जिस तेजी से मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसे देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा विकास भी बहुत तेजी से होगा।